अंकल आप खुद भी गंजे, अपने आप पे जरा सोचे, जरा आप खुद सोचे। ग्यारह गंजे 111 रुपए में कराएंगे। नहीं मैं नहीं बोल सकता। गूंगे है? नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ लेकिन ये गलत नहीं बोल सकता। 120 ही बनते हैं। एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है। अभी से क्या आपने सवाल ही इतना डेंजरस कर दिया। एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है, ठीक है? तो 11 एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है, तो 11 गंजे कितने रुपए में गंज करवाएंगे? 11 कितने में करवाएंगे? हाँ जी 121 में। पक्की बात है 121? यस। ये आपने किया क्या, मल्टीप्लाई किया? जाहिर है एक के जब 11 रुपए चार्जेस हैं पर हेड, तो 11 के 121 रुपए बनेंगे। अंकल आप खुद भी गंजे, अपने आप पे जरा सोचे, जरा आप खुद सोचे। नहीं करवाया 11 रुपए में? नहीं करवाया 11 रुपए में, गंज नहीं करवाई है। कितने में कराइए आप? ये कुदरती हुई वक्त के साथ साथ एज की एज फैक्टर है। चलें इसका जवाब ये नहीं है, कुछ और। सॉरी ये जवाब नहीं है, कुछ और सोचे। और क्या सोचूं? आप सोचे ना। और क्या जवाब हो सकता है, आप बताएं। नो सॉरी। ओके एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है, ठीक है? तो 11 गंजे कितने रुपए में गंज करवाएंगे? मतलब समझा नहीं आपकी बात। एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है, ठीक है? तो 11 गंजे कितने रुपए में कराएंगे? 11 गंजे 111 रुपए में कराएंगे। वो कैसे? 11 से ज़रब लगा ले। तो ज़रब लगाएं, गलत लगा रहे हैं आप। वो भी 122 बन जाएंगे। नहीं और कितने बनेंगे आप बताओ? आप बताएं। देखो अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगा रहे हो और सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान का ना नाम बोल रहे हो, इज्जत का सवाल। 121 बनते हैं। पक्की बात है? हाँ जी सच में। सोच लो। बता दिया। अच्छा मैं एक और बात पूछती हूँ जी, मुझे ये बताओ गंजा का भी गंज करवाता है? नहीं करवाता। तो फिर आपने 121 क्यों कहा? बस वैसे कहा है। नहीं है मुझे नहीं आपको ये। तो आप कुछ गलत बता दें। हाँ कुछ गलत बोल दें। नहीं मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? गलत जो है गलत है, तो आप बोलेंगे? नहीं बोलूंगा। नहीं मैं चाहती हूँ आज आप गलत ही बोल दें। नहीं मैं नहीं बोल सकता। गूंगे है? नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ लेकिन ये गलत नहीं बोल सकता, ठीक है? सभी मैंने कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। नहीं आप कोई और क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे। नहीं इसका जवाब है आपके पास की नहीं। क्या बोला दोबारा बोलो। एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है, तो 11 गंजे कितने रुपए में कराएंगे? 11 गंजे 11 रुपए जी कराएंगे। 11 भी करवा लेंगे और कैसा मैं तैयार। हाँ 100 ये बनते हैं, 11 गंजे 111 में करवाएंगे। 111? हाँ पक्की बात है? नहीं 121 हो गए। सोच लो एक बार, 111 121 हो गए। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। अब मैं तो आपका सही जगह गया जी, वैसे ये गलत ही है। एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है। हाँ जी तो 10 कितने में कराएं? तो 11 गंजे कितने रुपए में कराएंगे? 120 में। नहीं नहीं 120 ही बनते हैं। सोचे गलत बता रही हैं। अच्छा 11 11 गंजे करवा रहे हैं, ठीक है गंज। हाँ। और तो वो 11 गंजे कितने रुपए में कराएंगे? कितने में कराएंगे जी? 11 रुपए में होता है ना? हाँ जी 110 बनता है। नहीं एक गंजा 11 रुपए में गंज करवा रहा है। आपने तो अभी तक सर खारिज करनी शुरू कर दिया, अभी से आप भूल गए। अभी से क्या आपने सवाल ही इतना डेंजरस कर दिया मुझे। एक गंजा 11 रुपए में करा रहा है, तो 11 गंजे कितने में कराएंगे? ये आपको पड़ गया जी 10 11 110 और मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 116-117 रुपए में पड़ेंगे ये गंजे। पक्की बात है? इंशाल्लाह ताला। मुझे लग नहीं रहा। हो सकता एक बार सोच ले दोबारा। नहीं मैं इतनी मर्तबा नहीं सोचूंगा एक मर्तबा। अगर मैंने आपको जवाब बता दिया फिर? फिर मैं हार गया हूँ, फिर उसमें क्या वजह हो सकती है? अच्छा आप मुझे ये बताएं गंजा कभी अपनी गंज करवाता? नहीं करवाता। तो फिर आपने क्यों कहा 117 या 118 में कराएगा? सॉरी इस बात की मैं सॉरी कर रहा हूँ।